पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगरा के डौके क्षेत्र में शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई और इनमें से एक 50 वर्ष से अधिक जबकि 2 की उम्र 33 से 35 के बीच की थी। वहीं एक युवक की शराब पीने के बाद हालत बिगड़ गई जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच के लिए 2 शराब ठेकों को सील कराया है। यहां से बेची जा रही शराब की जांच कराई जाएगी। हालांकि अभी पुलिस अधिकारी जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शराब के अत्यधिक सेवन के कारण मौत का मामला हो सकता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चल सकेगा मौत का कारण क्या है। सूचना मिली है कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 2 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है और एक व्यक्ति की जो संदिग्ध परिस्थितियों में, तो उनके पोस्टमार्टम के लिए भी जा चुका है। तो एक व्यक्ति बीमार है वो अस्पताल में, मैं भी वहाँ से गया भी था अस्पताल भी, रामवीर जो अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर साहब से बात हुई। डॉक्टर साहब का स्पष्ट है कि इनको इन्फेक्शन कुछ हुआ है और 7-8 दिन से बुखार भी है, कुछ इन्होंने उल्टा सीधा कुछ खा लिया है, हैजा वगैरह हो सकता है इस तरह से। तो अभी संदिग्ध ही मामला, कोई ऐसा कोई अभी नहीं, जैसा कि चर्चा है कि जहरीली शराब से, लेकिन इस तरह के कोई अभी साक्ष्य ऐसे मिल नहीं रहे हैं और नहीं डॉक्टर साहब के इससे प्रतिनिधित्व भी करना कि इसके कारण अगर मौत होता तो अब तक मौत हो चुकी होती, इतने देर तक नहीं। परिवारजनों तो जो आरोप लगा रहे हैं कि गाँव में दारू रखी है और दारू से ही मौत हुई, नहीं अगर ऐसी मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी अगर कहीं होती है। और वो बताया जाए कि किस स्थान से, अगर कहीं से बाहरी से लाते हैं तो अगर ठेके से लाते हैं तो ठेके के उसका उसको सील किया जाएगा। सर 3 लोगों की मौत, और अगर उसका है तो उसका सैंपल मिलेगा तो उसकी हम लोग जांच भी कराएंगे। सर 3 मौत, ये वालों ने रोज पिए थे सवेरे, वालों ने सवेरे थे सो रहे पी के आए कना ने मुना पतो क्या पी कर आए। नागेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं। नागेंद्र, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसकी हालत गंभीर है, क्या कुछ जानकारी इस मामले से जुड़ी देना चाहेंगे आप? नागेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नागेंद्र से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। आगरा की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी जहरीली शराब बेचने का सिलसिला जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है और ये सिलसिला कभी नहीं रुकता क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत से जहरीली शराब बेची जाती है और जब लोग जान गंवा बैठते हैं, जब लोगों की हालत खराब हो जाती है तब पुलिस प्रशासन हरकत में आता है और कार्रवाई करने की बात करता है, लेकिन फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर धड़ल्ले से शराब बिकना शुरू हो जाती है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें या कुछ महीनों की बात करें, बड़ी तादाद में लोगों ने जहरीली शराब पीने के कारण अपनी जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके के जो घटनाएं हैं वो लगातार होती आ रही हैं, लेकिन फिर भी जहरीली शराब बेचने का जो गोरख धंधा है वो लगातार चलता रहता है। नागेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की जान चली गई और एक शख्स गंभीर रूप से बीमार है इस वक्त, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई? बिल्कुल, इन्हें मैं बताना चाहूंगा, जहरी शराब का मामला जो आगरा में चला आ रहा है काफी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आबकारी अधिकारी है उनकी मिली भगत देखी जाती है। कई बार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो छापे डाले जाते हैं, कहीं समसाव क्षेत्र में डाले जाते हैं, डौकी क्षेत्र में, सारी घटना वहीं से सम्मिलित होती है। तो ये मामला डौकी थाना क्षेत्र का, जहाँ पे 3 लोगों की गंभीर हालत हुई है और एक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का इस बारे में क्या कहना है, आखिर इतनी बेबाकी से जहरीली शराब, अवैध शराब कैसे बिक जाती है गांव में, शहर में, तमाम जिलों में? ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं इसमें जो आबकारी अधिकारी है उनकी मिली भगत है। यहाँ पे जो आबकारी अधिकारी है काफी पुराने हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई गठबंधन इन लोगों से मिला रहता है, उन्हें पता होता है। और पुलिस सूत्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस सूत्रों को भी पता रहता है कहाँ पर जहरीली शराब बिक रही है, कहाँ पर नहीं बिक रही है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात में कोई दोराय नहीं कि पुलिस की मिली भगत से ही सारा कार्य चलता है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।